बढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार कब? जब बच्चे के साथ इंसाफ होगा तब। और जब बिहार बढ़ा ना तो विश्व गुरु बन जाएगा हमारा भारत, विश्व गुरु बन। बिहार की भी 2014 SSC बिहार SSC लिया गया, बट उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। 8 साल हो गए, यहाँ क्या दोष, किसको दोषी? मैं माननीय मुख्यमंत्री के शराबबंदी, स्त्रियों को 35% आरक्षण की बात को ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करता हूँ, लेकिन छात्रों के साथ इंसाफ ये भी नहीं कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री को स्टेट में और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री को सामने आकर इसको उसी तरह से जैसे शराब और महिलाओं के प्रति जो सशक्तिकरण की बात, इन्होंने विकास की बात की है, उसी तरह से सामने आके बच्चों के हित को सामने रखना होगा, क्योंकि बच्चे ही भविष्य के निर्माता है, देश के निर्माता है। पढ़ेगा बिहार, पढ़ेगा बिहार कब? जब बच्चे के साथ इंसाफ होगा तब। और जब बिहार बढ़ा ना तो विश्व गुरु बन जाएगा हमारा भारत, विश्व गुरु बन जाएगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री दोनों सामने आए और आगे सामने आके बच्चों की समस्या को पहला आधार दे। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारों की नहीं, महंगाई की बात करते हैं, घटाने की बात नहीं, तो ये सब केवल ढकोसला है। बच्चों के साथ खेल ना हो, बच्चों के साथ इंसाफ हो। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है राजनीतिक क्षेत्र में, इसलिए बच्चों के साथ किस प्रकार का इंसाफ ना हो। पढ़ाई इनका एक माध्यम है, कोई माँ का जेवर गिरवी रख के आता है, कोई जमीन का कागज गिरवी रख के आता है, कोई सूद पर पैसा लेके आता है, लेके आता है पढ़ने, वो बेचारा रेलवे लाइन कबारेगा और बोगी में आग लगाएगा, कभी नहीं। उसकी मांग को पूरा कीजिए, नौकरी के लिए आया है नौकरी दीजिए, बाकी कुछ नहीं। सर जब इलेक्शन, बिहार इलेक्शन हो रहा था, तो नीतीश कुमार की पार्टी ने भी दावा किया था कि हम आपको इतनी नौकरियां देंगे, कहां गई वो सारी नौकरी? नीतीश कुमार की पार्टी ने भी कहा था कि हम 23 लाख देंगे रोजगार, कहां गया सारा? सुन लीजिए, विपक्ष के माननीय तेजस्वी जी ने भी कहा था कि हम मेरे प्रथम सिग्नेचर पर 10 लाख का रोजगार सृजन करेंगे। चलिए मान ले कि माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने, तो आवाज तो उठा सकते हैं ना आप? आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आवाज उठाइए छात्रों के हित में। जब छात्र रोड पर आ जाएंगे तब आवाज उठाने से क्या फायदा? छात्रों की समस्या को नहीं समझ रहे हैं? छात्रों की समस्या को समझिए और माननीय मुख्यमंत्री भी स्पष्ट रूप से सामने आए और छात्रों की समस्या को प्राथमिकता के साथ लें, वक्त रखते हुए। सब जब मिनिस्टर्स के हाथ में इतने पावर से एक सिग्नेचर पर नौकरियां देती है, तो इसका मतलब नहीं नौकरियां दे रही है तो उनकी जानबूझ के ये की धरनी? जानबूझ के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनावी हथकंडा है। युवा 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 केवल चुनाव के समय चिल्लाया जाता है और चुनाव के बाद सब कुछ रहता है, युवा नहीं रहता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं किसी भी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, छात्र हित के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, राष्ट्र हित के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप छात्रों के हक में फैसला सुनाइए, छात्रों को आप इंसाफ दीजिए। और छात्रों से कह रहा हूं कि अहिंसा को चरम अवस्था तक ले जाइए ताकि सरकार भी शर्मा जाए। मत भूलिएगा बापू, बुद्धा और महावीर का यह राज रहा है और बिहार से ही राष्ट्र का निर्माण हुआ है। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।